बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो इस्म वाले जो जुमले हैं वो हमने बनाने सीख ले थे सीख लिए थे दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे हमने कहा कि एव ये घर नया है एव ये ने देल घर नया नहीं है इस तरह के जो जुमले हैं वो हमने दो इस्मों को या तीन इस्मों को मिला के जो हमने जुमले बनाने थे वो पिछली क्लास में हमने सीख लिए थे जैसे मसा मेज मसादा किताब वार मेज पर किताब है लेकिन अगर हमने कहना हो कि मेरे पास किताब है तो वो हमने जुमले जो है, वो जमीर वाले जो जुमले हैं वो नहीं पढ़े थे तो आज हम जो है वो जमीर वाले जुमले पढ़ेंगे यहाँ पे छह हमारी जमीरें हैं बेन मैं सन तू ओ वो ये हमारी वाहिद की जमीरें हैं फिर है बिज हम सिज तुम सब लेकिन आपके आप लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वाहिदर्द फर्द के लिए जो आपसे बड़ा हो उसको आप कहने के लिए भी आप सीज इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलर वो सब तो ये छह हमारी जमीरें हैं जैसे पहले भी बताया कि मेल और फीमेल के लिए सेम जमीरें ही इस्तेमाल होती हैं कोई अलग जमीरें नहीं है तो यहाँ पे जो है मैंने इसका कायदा लिख दिया कि जब हमने जमीर वाले जुमले बनाने हैं तो हमने उनके साथ कौन से इजाफे करने हैं कि जुमला हमारा कंप्लीट हो तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बैन और एथमैन अब हम टीचर की मिसाल लेते हैं टीचर हूं ये अभी अब जुमला कंप्लीट नहीं है बैन मतलब अभी तक जुमला जो है ये इतना है अब हमने वो जो हूं आखिर में जो है इस जुमले को जो कंप्लीट करना है कि मैं टीचर हूँ तो वो हमने कैसे करना है कि जब बैन आएगा तो उसके साथ आपने देखना है जो हमारा लफ्ज है आखिरी जिस लफ्ज के साथ हम इजाफा कर रहे हैं अगर तो उस आखिर में वाह हरफ नहीं है तो फिर हम जो है वो उम इम उम या म उम जो है वो हमने जो वावल हरूफ के चार ग्रुप बनाए हुए हैं दोबारा बार बार उनको पढ़ते हैं उसके मुताबिक जो है वो हमने इनमें से किसी एक का इजाफा कर देना है तो यहाँ पे हम किसका इजाफा करेंगे इम का इजाफा करेंगे बैन और निम यहाँ पे जो हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैन और निम यहाँ पे हमने इम लगाया है तो इम हमने क्यों लगाया है यहाँ पे देखिये और आखिरी जो वावल हर, हमारा हरफ है इसमें वो क्या है ए और हमने क्या हमेशा पढ़ा है कि जब ए या ई ये दो ववाल हरफ जाएंगे तो उस वक्त हमने ई वाले जो चीज है उसका इजाफा करना है। तो यहाँ पे ई वाला इम है हमारे पास वो बेन और टीचर हूं बैन और यानी जब उसको हमने मनफी जुमला बनाना है तो फिर मैंने यहाँ पे दिल की जो है वो मिसालें दी हुई हैं तो दिल के साथ तो सिर्फ एक ही यानी कि सिर्फ इम का इजाफा होगा हमेशा क्योंकि जब देखें आप दिल जो है इसके आखिर में वावल हरफ क्या है हमारा ई है तो जब हम बैन का जुमला कोई भी इस्तेमाल करेंगे और आखिर में दिल इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जब हम लगाएंगे तो सिर्फ इम का इजाफा ही हम करेंगे तो, मुहंदिस तो हर जगह पे वो दिलिम ही लगेगा जब बैन शुरू में आएगा तो दिलिम ही लगेगा तो बैन और मैं टीचर नहीं हूं बैन

बैन और मी यहां तक हमने पढ़ा तो उसके बाद हमने क्या जो है वो यम का इजाफा किया तो यहाँ पे यानी कि नॉर्मली हमने जो है वो सिर्फ इम का इजाफा करना था लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आखिर में वावल हरफ ना हो तो फिर तो हमने इन चार में से किसी एक का इजाफा कर देना लेकिन अगर आखिर में वावल हरफ आ जाए जैसे यहाँ पे मी के बाद आखिर में वावल हरफ है तो हम फिर जो है वो ये का इजाफा करके फिर इनमें से किसी एक का इजाफा करेंगे तो मी आखिर में ई है ये लगाया और उसके बाद हमने इम लगा दिया तो मीम बना दिया बैन और क्या मैं उस्ताद हूँ क्या मैं उस्ताद हूँ जहर अपने आप के लिए तो बहुत कम फर्ज है ऐसे सवाल करते हैं कि क्या मैं ये चीज हूँ क्या मैं ऐसा हूँ यानी कि आप कह सकते हैं कि बैन हास्ता मीम यानी कि कोई छींक रहा है या जुकाम हो रहा है उसको तो वो कह सकते कि बैन हास्ता मीम क्या मैं बीमार हूँ क्या, मैं टीचर सेन क्या लगाना है इसमें को बावल हरफ के आखिर में यानी कि लफ्स के, के आखिर में बावल हरफ हो या ना हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमने जो है इन चारों में से किसी एक का इजाफा कर देना है पिछले वावल हरफ को देखते हुए जो आखिरी हमारा लास्ट लफ्ज का हरफ होगा उसको देखते हुए हमने इन चारों में से किसी एक का इजाफा कर देना जब सैन का जुमला बनाना है तो यहाँ पे है सैन ई मिसिन मैंने यहाँ पे सवाल लिया जो है वो जुमला यहाँ पे बनाया है तो मी के बाद जो हमने क्या सिन लगा दिया है यहाँ पे देखिये सिन दूसरे नंबर पे है तो सिन क्यों लगाया क्योंकि मी जो पीछे है वो ई वाला है तो मी जो है वो नुकते वाला ई वाला क्यों क्या है क्योंकि उसके पीछे जो ई है उसके आखिरी जो वावल हरफ है वो ई वाला है तो ये जो है वो कड़ी से कड़ी मिलती जाती है तो जुमले के शुरू से ही जो वावल हरफ जिस ग्रुप से होते हैं वो उस जुमले में आते जाते हैं आवाज ताकि वो रवानी में आवाज़ वो ही रहे अगर बारीक आवाज है तो बारीक जाती जाए अगर शुरू से भारी आवाज है तो वो जुमले के आखिर तक भारी आवाज जाती रहेगी सहन ई मिसन क्या तुम ठीक हो अ मतलब -e हम इस्तेमाल करते हैं -e यहाँ पे हमने पढ़ा था बैन और -e मैं टीचर हूँ यहाँ पे हमने आप पढ़ा है कि बैन -e मैं ठीक हूँ तो दोनों में क्या फर्क आ गया यहाँ पे और के आखिर में जो है वो वावल हरफ नहीं था ने हरफ है जो ने के जब वावल हरफ नहीं है तो हमने सिर्फ इम का इजाफा किया लेकिन जब यहाँ पे ई आ गया ई बैन ई तो ई के आखिर में आप देखें क्या है वावल हरफ मौजूद है जब हवावल हरफ होगा किसी लफ्ज के आखिर में तो हमने ये जो ये मैंने ऊपर रेड किया हुआ है ये ये का इजाफा करने के बाद इन चारों में से किसी एक का उसी मुनासबत से इजाफा करना है तो हमने ये लगा के इम का इजाफा किया तो बैन ईम मैं ठीक हूं बैन ई दे इम मैं ठीक नहीं हूँ दिल के साथ जब बैन का जुमला करना है तो सब साथ एक ही जैसा होगा क्योंकि दिल जो है वो लफ्जो है वो बार बार चेंज नहीं होगा चेंज होने वाला लफ्ज नहीं है ज़ाहिर है जब एक ही लफ्ज हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में जो एक दफा हमने लगा दिया है इसके साथ जमीर तो हमेशा वो ही रहेगी तो बैन के साथ जो है वो हमेशा इम लगेगी क्योंकि दे आखिर में वावल हरफ नहीं है और जो आखिरी हमारा वावल हरफ है ई है तो ई के मुताबिक हमने इम लगा दिया तो बैन ई दे इम मैं ठीक नहीं हूं बैन हास्ता इम अब यहाँ पे ई इम लगा था यहाँ पे इम लग गया तो यहाँ पे ई और यहाँ पे अ जो है लगा है तो वो किस लिए लगा है कि बैन हास्ता हास्ता यहाँ तक हास्ता तक हमने पढ़ा हुआ था बीमार तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो ये नहीं यानी कि इन चार में से किसी एक का हमने इजाफा करना था तो हमने उम का इजाफा इसलिए हास्ता आखिरी जो वावल हरफ है वो क्या है आ है जो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब आ और अ होगा तो हम उम यानी कि अ वाले जो इजाफे वाले अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल हम करेंगे तो हास्ता दरमियान में ये इसलिए लगी क्योंकि ये हास्ता का आखिरी है ल, आ, हर्फ वो वावल हरफ है तो आखिर में जब वावल हरफ आ जाएगा लफ्ज के हमने ये का ये रेड किया हुआ है ये का जो है वो हमने इजाफा करना ये सिर्फ दो जगह पे ये कायदा आएगा एक जब हम बैन के जुमले बना रहे होंगे और एक जब हम बीज के जुमले बना रहे होंगे सिर्फ उन दो में आखिर में वावल हरफ होगा तो हमने जो है वो ये लगा के फिर हमने उम या इज लगाना है मतलब बिज हास्ता यज हो जाएगा यहाँ पे बीज हास्ता यज तो यहाँ पे देखें ऊपर हमने यम लगाया यहाँ पे ये लगा दिया क्योंकि बिज का क्या कायदा है हमारा कि इड़, इज इज उज इज में से किसी एक का इजाफा होगा और अगर आखिर में बाबल हरफ आ गया तो फिर ये लग के फिर इनका इजाफा होगा तो यहां पर आखिर में बावल हरफ था ऊपर यम लग गया तो यहाँ पे येज लग गया बिज हास्ताज हम बीमार हैं तो ये सिर्फ बैन और बीज में ऐसा होगा कि आखिर में अगर वावल हरफ आ जाए तो फिर जो है वो हमने ये लगा कि इन चारों में से ये जो कायदे हैं इनमें से किसी एक का इजाफा करना है लेकिन सैन के साथ सीज के साथ या ऑनलार के साथ इजाफा करने की जरूरत नहीं है अगर आखिर में बावल हरफ हो भी तो मतलब जैसे हम सीज सेन का जुमला यहां बना लेते हैं कि तुम बीमार हो सेन हास्ता हमने लगा दिया यहाँ पे यानी कि ये लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी हास्ता उसके बाद हमने सिंपल क्या किया सुन सिन सुन या सुन इनमें से चार में से किसी एक का इजाफा करना था तो जो सूटेबल है वो क्या है सुन है क्योंकि पीछे आ वावल हरफ जो है वो हमारा ये आ है तो हमने फिर सन हास्ता सुन तुम बीमार हो हमने सुन का इजाफा कर दिया यहाँ पे यानी कि वावल हरफ अगर ना भी होता बस हम अगर कहें तो हम क्या लिखेंगे सैन रेथमैन और, और अब हमने सुन नहीं लगाना सिन लगा देना यानी कि वो उ जो है वो ई में बदल जाएगा क्योंकि पीछे आप देखें जो वावल हरफ आ गया है वो ए आ गया है तो पिछली दफा आ था हास्ता में यहाँ पे ए हो गया तो फिर रेथमैन सिन यहाँ पे फिर हमारा ये भी जो है वो सुन जो है वो सिन में बदल गया है तो ये जो है ना वो मैं बताना चाह रहा था और जो ओ जमीर है उसमें किसी किस्म का हम इजाफा नहीं करते ना ही हम नेगेटिव में इजाफा करते हैं जुमले में और ना ही जो है वो हम पॉजिटिव जुमले में जो है वो उसमें इजाफा करते हैं सिर्फ और लिखा हुआ जैसे यहाँ पेथमैन सैन की जगह मुगर मैं आप ओ लिख दूंगा ओ और इसका मतलब क्या होगा वो टीचर है ये पूरा जुमला कंप्लीट हो गया ओ के साथ थर्ड पर्सन के साथ किसी किस्म का हमने इजाफा नहीं करना किसी भी चीज़ का तो ओ ओरैथमैन लिखेंगे तो वो टीचर है ये जुमला हमारा कंप्लीट हो गया ओ देल लगा देंगे हम तो तब भी जुमला हमारा कंप्लीट हो गया कि वो टीचर नहीं है ओ देल. तो देल के साथ भी किसी किस्म का इजाफा नहीं करना और जब हमारा पॉजिटिव जुमला होगा तो उसमें भी हमने किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करना तो हमारा ये जुमला कंप्लीट है बाकी आपने बैन सैन बिज सी ऑनलर मतलब ऑनलर के लिए मैं आपको बता दूं मतलब ऑनलर एथमैन आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ओन लर और एथमैन वो टीचर हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लार या लैर यानी कि जाहिर है लार और लैर के हमारे क्या थे दो हमारे ए, हमने ग्रुप बनाए हुए थे वावल हरूफ के जो भारी आवाज वाले हैं वहां पे हम लार लगा देते थे जमा बनाने के लिए जो बारीक आवाज़ वाले हैं वहां पे हम लैर लगा देते थे तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या है बारीक आवाज वाले वावल हरूफ ग्रुप से है तो हम वहां पे लैर लगा देंगे ऑन लार रेथमैन लर अब पीछे लर आ गया है ओन लार क्योंकि हमेशा ओन लार हमेशा ऑन लार ही ओ, ओ के बाद लर लगने की वजह से ओन लार ही है लेकिन हमने आखिरी लफ्ज को देखना जिसके साथ हम इजाफा कर रहे हैं तो हम ओरथमैन के साथ लर या लर का इजाफा कर रहे हैं तो हमने इस लफ्ज को अपने देखना उसके पीछे अल्फाज देखने की जरूरत नहीं है तो आखिरी लफ्ज में जो है वो देखे ए आ गया है तो फिर यहाँ पर लैर लग गया है ओन लर भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं अगर हम हास्ता की मिसाल ले लें ओनलर हास्ता भी लिख सकते हैं आप और ओनलर हास्ता लार अब यहाँ पे लार आ गया है क्योंकि हास्ता का जो है वो पीछे बाबा हरफ जो है आ, भारी आवाज वाले ग्रुप से है तो हमारा यहाँ पे लार आ गया वहां पे था वहां पे लर हो गया था तो ओनलर हास्ता लार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सबसे खूबसूरत ओनलर हास्ता यानी कि दोबारा लर लर एक जुमले में दो लर लर हो जाएगा तो वो जुमले की खूबसूरती चली जाएगी लेकिन आप ऑनर हास्ता लार भी कह सकते हैं कोई गलत जुमला नहीं है हास्ता भी आप कह सकते हैं हास्ता हास्ता है। अगर आप दिल के साथ चाह रहे तो ऑनलर हास्ता दिल लर भी आप लगा सकते हैं दोनों तरफ जुमला जो है वो ठीक है बाकी जो है वो ये जो मैंने मिसालें लिखी हुई हैं इनसे हम बढ़ते हैं थोड़ा यहां से शुरू दोबारा करते हैं ben öğretmenim मैं टीचर हूं ben öğretmen değilim मैं टीचर नहीं हूं ben öğretmen miyim यानी कि अब हमने सवालिया वही जो हमने सवालिया पीछे ज़ुमले पहले से पढ़े हुए हैं मु मी मु मु ये लगाना है तो सवालिया जुमला बन जाएगा और फिर इसके बाद मु के बाद जो है हमने यानी कि ज़मीर जो है वो हमेशा आखिरी लफ्ज़ के साथ लगानी है यानी कि मसलन यहां पे ben öğretmen

क्या मैं बीमार हूं तो बैन और मीम यानी कि फिर मुंह के साथ मैंने अपनी जमीर का इजाफा कर दिया तो ये जमीर जो है वो हमेशा आखिर में तो लाजमी लगेगी शुरू में आप चाहें तो आप नहीं लगा सकते वो आप पे डिपेंड करते आप कहते हैं कि मैं दोबारा दोबारा बैन बैन नहीं कहना चाह रहा तो वो आप जो है वो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूं कि मसला आप कह सकते हैं कि हास्ता जैसे मैं बीमार हूँ मैं ठीक हूं आप ऐसे लिख सकते हैं लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते बैन ई मैं ठीक हूं ये जुमला अनकम्प्लीट है जुमला कम्प्लीट नहीं है जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज के साथ जमीर आपने लाजमी लगानी है तब जुमला कम्प्लीट होगा तो बैन ई यम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बैन इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि जो ई यम है उसके अंदर ऑलरेडी बैन की जमीर मौजूद है तो आप ई यम भी कह सकते हैं खाली तो ये आखिर में इम है ये बैन की जमीर ही है बैन क्या ही वहां पे एक्स्ट्रा जो है वो लगा हुआ है साथ हास्ता यम में जो यम है ये मैं ही है इसका मतलब हास्ता यम तो शुरू में बैन लगाने की जरूरत नहीं है आप चाहे लगा लें चाहे ना लगाएं ये आप पे डिपेंड करता है तो बैन हास्ता यम या हास्ता यम या बैन ईम दोनों जो है वो ए, सेम जुमले ही है दोनों का एक ही मतलब है लेकिन जो लफ्ज है उसके साथ जमीन लाजमी लगानी है खाली बैन ई आप नहीं कह सकते या बैन और बैन दो आप जो है वो नहीं कह सकते मेरी जेन में चानक आया तो हमने अभी तक सिर्फ इम उम की ज़मीनें पड़ी हैं तो बैन डॉक्टर अब हम थोड़ी सी चेंज हो गई अब आखिर में क्या आ गया है मरा, ओ आ गया है तो यहाँ पे अब उम या इम नहीं लगेगा उम लग जाएगा बैन डॉक्टर उम मैं डॉक्टर हूं तो ये जो है वो इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा जब न, हम इसकी लेकिन जब दिल लगाएंगे तो वो जमीन सेम क्योंकि दिल जो शेप है वो सेम ही है कि उसके आखिर ई है? है तो हमेशा इम ही आएगा बैन कि अगर जो है वो बार-बार चेंज हो तो फिर हम कह सकते हैं मतलब या इस तरह कुछ लफ्ज तो उम आ जाएगा लेकिन हमेशा ज़ाहिर इसकी शेप सेम ही है तो इसलिए हमेशा इम ही लगेगा बैन दो दिल लेकिन अगर इसको हम सवालिया बनाएंगे बैन दो मुंह अब मुंह आ जाएगा वहां मी आ गया था हास्ता मु आ गया था क्योंकि इसके मुताबिक जो है वो आखिरी लफ्ज के मुताबिक जो हम मुंह सवालिया निशान लगा रहे हैं वो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ओ था तो यहाँ पे मुंह लग गया है वहां पे ए था तो मी लग गया हास्ता में आ था तो मुँह लग गया तो यहाँ पे ओ है तो मुँह लग गया तो जब मुंह लग गया तो फिर हमने युम लगाना है नॉर्मली हमने ऊ लगाना था लेकिन दो वावल हरफ इकट्ठे हो जाना था इसलिए हमने बैन और बिज में क्या पढ़ा है कि ये आखिर में जब वावल हरफ आ जाए तो हमने फिर ये लगा के इजाफा करके उसको कम्प्लीट करता इजाफा करके उसको कंप्लीट करना है तो बैन डॉक्टर मुयम क्या मैं डॉक्टर हूं तो ये हमारा सवाल यह भी हो गया तो दोबारा हम जो है वो आते हैं अपने जुमलों पे बैन और तालबे तो ये मैंने मिसाल इसलिए लिखी थी कि यहाँ पे जब हमने बैन और निम हमने लिखा तो यहाँ पे यम लगाया यम क्यों लगाया कि और आखिरी जो है वो वावल हरफ है आखिर में यहाँ पे आखिर में वावल हरफ नहीं है आखिर में ने है उससे पहले वावल हरफ है ए तो इसलिए ये लगाने की जरूरत नहीं वहां पड़ी लेकिन यहाँ पे हम अगर ये ना लगाएं तो ई और ई दो बावल हरफ जो है वो हमारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह तो इसलिए ज़रूरत नहीं है तो वो हमने दरम्यान में ये लगाया ताकि जुमला कंप्लीट हो जाएगा बैन और एन जी मैं तालबेल हूँ बेकार सनज अब हमने यहाँ पे सनज सीज के लिए हमने क्या कहा कि सिनस, 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 सिनस. इन चार में से किसी एक का इजाफा करना है वो हमारे बावल हरूफ के मुताबिक तो अब यहाँ पे वो जो चार हमने ग्रुप बनाए हुए हैं उनके मुताबिक आपने करना है तो सिज बेकार सिनज पे लग गया क्योंकि बेकार अब एक तो यहां पे हमने जो है वो क्या पढ़ा है कि आखिर में हरफ हो या ना हो हमने सुन और लर इन तीनों जगहों पे जो है वो सेम ही ए, ये का इजाफा करने को जरूरत नहीं है वो सिर्फ बैन और बिज में करना है तो सिज बेकार बेकार कहते सिंगल को सिज बेकार आप लोग सिंगल हैं या किसी बड़े से वाहिर से मुखातिब है तो उसको भी आप कह सकते हैं कि आप सिंगल हैं दिस एवली इज एवली एव घर पढ़ा था और एवली घर वाला या ली जो है मैंने आपको पढ़ा था कि मैंने आज हम ली भी पढ़ेंगे ना जैसे मैंने कहा था पाकिस्तान ल तो आज की हमारी क्लास में हम ली भी पढ़ेंगे इसका कायदा ही पढ़ेंगे बिज तो एवली इज अब यहाँ पे इज लगा खाली इज नहीं लगा क्योंकि एवली के आखिर में वाह हरफ आ गया तो हमने फिर ये लगा के जैसे ऊपर मैंने ये लिखा हुआ कि हुआ लगा के फिर उम या ये लगा के फिर इज लगाना है तो हमने फिर यहाँ पे इज लगाया आप सवाल पूछ रहे हैं किसी से मिले हैं तो आप उससे पूछेंगे यहाँ पे आप हमने देखे सवाल यह मी लगा के उसके साथ जो है वो सनीज लगा दी यहाँ पे देखे हमने लगाना था तो सीज एवली मिस मी के बाद सिनिस का जो है हमने इजाफा कर दिया क्या आप शादी शुदा हैं ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि सैन ई मिसिन क्या तुम ठीक हो सन ई मिसिन क्या तुम ठीक हो अगर हमने खाली इसको कहना हो कि तुम ठीक हो तो हम फिर क्या कहेंगे हम कहेंगे सन ई सिन सिर्फ इतना हम कहेंगे ई के साथ जो हम सिन की जमीन लगा देंगे तो सैन ई सिन तुम ठीक हो लेकिन जब हमने उससे सवाल कर लिया सेन इ, मी, फिर उसके बाद लगेगा सन ई मिस क्या तुम ठीक हो ठीक हाँ, नहीं हूं जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा बैन और मैं मैं टीचर नहीं हूं बैन ई दी मैं ठीक नहीं हूं बैन हादसा दिलिम मैं बीमार नहीं हूँ बैन हाथ मैं बीमार हूं अली अली कहाँ है यानी कि हमने जैसे पढ़ा था ना पिछली दफा नेरे दे तो हमने पढ़ा था कि नेरे 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 दे नेरे दे दे यानी कि मसा किताब 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 हमने कहा मेज पर है लेकिन यहाँ पे किसी फर्द का हम पूछें पूछें या जमीरों का कि ओ नेरे दे मतलब वो कहाँ है लेकिन अगर हम मसलन अभी मैं ये अली वाली पढ़ूं फिर ये मैं आपको दूसरी सात जमीरों वाली पढ़ाता हूँ तो अली नेरे दे अली कहाँ है अली जामी दे अली मस्जिद में है अली मुसलमान अली मुसलमान है ये थर्ड पर्सन की मैं बता आप बता रहा अली की जरा ओ भी लिख सकते हैं ओ मुसलमान वो मुसलमान है तो हमने क्या पढ़ा कि थर्ड पर्सन होगा यानी कि वो नाम भी हो सकता है हमने किसी किस्म का किसी चीज का इजाफा नहीं करना सिर्फ अल्फाज लगाते जाना है जुमले में अहमद तो यहूदी दिल अहमद यहूदी नहीं है अब नेरे दे आ गए तो नेरे दे अली नेरे दे हमने थर्ड पर्सन के लिए कहा तो किसी किस्म का हमने इजाफा नहीं किया लेकिन तो अगर हमने कहना हो कि सैन नरे सिंह यानी कि तुम कहाँ पे हो यानी कि अली कहाँ पे हमने पूछा लेकिन अगर हमने पूछना हो कि तुम कहाँ पे हो तो हम क्या कहेंगे नेरे दे है उसके बाद हमने फिर सैन की जमीर का इजाफा कर देना सिन यहाँ पे हमने क्या बढ़ाया सामने सुन सिन सुन या सुन इनमें से किसी एक का इजाफा कर देना तो हमने यहाँ पे नेरे दे क्योंकि आखिर में जो आखिरी जो वावल हरफ है वो क्या है ए है

Osionfish. जैसे हम करते हैं नरे हम जैसे कर करते हैं तो नसलसन, तुम कैसे हो नेरे देसिन तुम कहाँ हो नेरे दे के साथ हमने जमीरे लगाते जाना है तो नेरे यानी ये देखे ना यहाँ पे जो है इनमें से अगर हम लगा देंगे तो आप लोग कहाँ हो या तुम सब कहा हो तो नेरे तुम कहाँ हो या सन नेरे देशन तुम कहाँ हो बैन यानी कि बैन शुरू में लगा सकते हैं चाहे तो खाली इस्तमदा यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था इस्तोल हवा चौक गुजैल इस्तांबोल में हवा बहुत मौसम बहुत अच्छा है तो दा यिम अब यहाँ पे लग गया देखे ना यहाँ पे भी इस्तोल दा यहाँ पे आखिर में दा जो है वो जो, जो आखिरी बावल हरफ हमारा आ गया है तो हमने ये लगा के फिर उम का इजाफा किया तो दा यिम मैं इस्तांबोल में हूँ आच मसनस आच कहते हैं को भूखे को यानी जिसको भूख लगी हो उसको हम कहते हैं आच तो आच मुसन यहाँ पे भी म लगाया उसके बाद हमने सिन्स की जमीन लगा दी खाली सिन्न के लगाएंगे तो मतलब तू हो जाएगा आचम मतलब ये जो हमने बीज वाली ज़मीन है वो भी आप लगा सकते हैं तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं आच मिसन भी आप लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या तुम भूखे हो आचमसन लगाया तो जमा की जमीन बन गई कि क्या तुम सब भूखे हो भूख लगी हुई है आप सब लोगों को चोक हाँ, बहुत भूख लगी हुई है बहुत भूखे हैं हम चौक आचिज लेकिन गलत माने में नहीं कि हम बहुत भूखे हैं वो वाले माने में नहीं यहाँ पे नहीं कि हमें भूख लगी हुई है चौक आचिज तो आज आच और उसके बाद खाली हमने इज लगाया जैसे हमने और खाली इम लगाया क्यों क्योंकि ये चे आखिर में चे आ गया चे क्योंकि वावल हरफ नहीं है तो इसलिए ये इजाफे लगाने की जरूरत नहीं है हमें तो एवे चौकाचिस हाँ हमें बहुत भूख लगी हुई है कच्छ या शिंदा पे आप मैंने कच यानी कि हमने नेरे दे भी पढ़ लिया अब कच क्यों इस्तेमाल होगा किसी का मसला हमने पूछना है कि आपकी उम्र क्या है तो हम उसके लिए कछ जो है वो शुरू में काछ लगे कच्छ मतलब कितनी या याशिंदा एज को कहते हैं या याशिंदा असल में यश एज को कहते हैं लेकिन या यशिंदा मतलब किस एज में कि उमर मेंच या सन कितनी लेकिन आप यशिंदा को कंप्लीट करें का मतलब है एज तो कम्प्लीट सन आखिर में हमने सन जमीन लगा दी कच या सन कितनी एज के हो कितनी उम्र के हो होमी इक्की या शिंदा अब हमने देखे ऊपर जो है वो ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिंह का हमने क्या पढ़ा है कि सैन सीज ऑन लर वहां पे हमने आखिर में बाफ वो भी जैसे याशिंदा में आखिरी हरफ है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे दो तो ववाल हरफ इकट्ठे नहीं आ रहे लेकिन यहाँ पे अब यशिंदा के बाद हम खाली उम लगा देते तो आ और उ दो वावल हरफ इकट्ठे आ जाते तो उनकी थ्रू प्रोनाउंसिएशन जरा मुश्किल हो जाती थोड़ी सी तो हमने फिर दरम्यान में क्या है? ये लगाया है तो यी की शिंदाई मैं बाईस साल का हूँ ओकूल दच सिर यानी कि यहाँ पे मैंने कच बताने की कोशिश की है कि कच को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो का सिनफ वार ये हमने पहली दफा पढ़ा हुआ था ओकुलद सिनफ वार इतना हमने पहले पढ़ा था कि स्कूल में क्लासरूम है मसादा किताब वार मेज पर किताब है मसादा किताब वार मेज पर किताब पड़ी हुई है एव दे बिल्गीार बिलगी वार एव दे, एव दे बिल्गी से घर में कंप्यूटर है एव दी से यार वार तो फिर वो हो जाएगा कि कितने घर में कितने कंप्यूटर हैं और स्कूल cool में कितने क्लासरूम हैं? एल्मा ने कदर यहाँ पे एक और सवाल यह निशान है ने कदर ने कदर ने कदर का मतलब है कि इसका भाव कितना है angry, कि कितने में है नक कदर इसकी कदर कितनी है इसकी कीमत कितनी है nee ने कदर है कि कीमत क्या है एल्मा ने कदर सेब की कीमत न, आ, कितनी है अलमा ने कदर ने कदर पतातेस ने कदर एल बी से हर चीज के साथ आप जो खरीद रहे हैं उसके साथ आप लगा सकते हैं टेलीफोन ने कदर मतलब टेलीफोन की कीमत क्या है आप दुकान में गए हैं कंप्यूटर आप ले रहे हैं आप लिख सकते हैं कि बिलगी से यार ने कदर तो वो कहेगा बिलगी से यार बिन तेले यानी कि हजार ली है टेलीफोन इक्की बिन तेले मोबाइल दो हजार ली का है एल बी से एल ई तेले कपड़े जो है वो पचास लिया के हैं एल्मा शुरू में वो लगा सकता है कि बीर किलो एल्मा एक किलो सेब दीर किलो बीर किलो एलमा दौर तेले मतलब दौर तेले तेले कहते हैं टर्किश लीरा तो ये टर्किश लीरा नहीं कहते ऐसे ये कहते हैं तेले जैसे हम रुपी कहते हैं ये तेले कहते हैं तो बीर किलो अलमा दौड़ तेले या बैश तेले जैसे आप कहना चाहें तो वो जो है वो आपको जवाब मिल जाएगा या आप कह सकते हैं ओ बिर शार्कज शार्कज कहते हैं सिंगर को ओ बिर शार्कज वो एक टीचर जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि ही इज ए सिंगर तो वो ए जो है वो आप चाहे तो आप लिख सकते हैं जुमलों में बिर लिख सकते हैं थर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हैं तो आप बिर लिख सकते हैं ए की जगह आप या ओ शार्कज भी आ, आप कह सकते हैं कि वो सिंगर है ओ शार्क ज, वो बीर शार्क जे वो ए, एक सिंगर है ओ ईम ऊपर हमने पढ़ा कि सेन ई मिसन तो यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन का पूछ रहे हैं कि ओ ईम तो यहाँ पे मी के साथ देखें हमने यहाँ पे सिन का इजाफा किया है ई मिसिन क्या तुम ठीक हो तो यहाँ पे हमने क्या कहा थर्ड पर्सन के साथ किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होना तो ओ ईम क्या वो ठीक है और एथमैन ई टीचर ठीक है यानी कि किन जो है वो भी थर्ड पर्सन है कोई किसी का नाम या किसी फर्द यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हमने किसी किस्म का बैन और हमने इजाफा किया लेकिन जब टीचर हम के टीचर का बता रहे हैं कि टीचर ठीक है तो वो थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ई के साथ इजाफा करने की जरूरत नहीं है और टीचर ठीक है यहाँ पे हमने अपने वार मैंने वार के पढ़ाया जैसे उन्होंने कहते था ना कि वार वार और योग हमने पिछली क्लास में पढ़ा तो यहाँ पे वार मुसन क्या तुम मौजूद हो मसलन जब हम किसी काम कोई काम करते हैं तो हम उस वक्त तो उससे पूछते हैं कि वार्स क्या तुम मौजूद हो वार हमने क्या पढ़ा था कि मौजूद होना तो कोई भी काम करें हमने मसलन कोई काम करना है मसलन आपस में कहीं पे कोई पिकनिक पे जाना है तो ऑफिस वालों से हम दूसरों से पूछते हैं तो किसी फर्द फर्द के पास जाके जा हम पूछेंगे कि वार मुसन क्या तुम इसमें शामिल हो योक मुसन क्या तुम इसमें नहीं हो तो वारम का मतलब हाँ मैं इसमें मौजूद हूं मैं भी शामिल हूं मैं भी आऊंगा मैं भी ये काम करूंगा वारम यो कुम मतलब मैं मौजूद नहीं हूं मैं नहीं आऊंगा तो वो हमने उम और उम मुसन उमस हमने ये अपने कायदे के मुताबिक यहाँ लगाया मस हाजिर मैं एक और मिसाल दे देता हूं हाजिर का मतलब होता है रेडी हाजरम मैं रेडी हूं हाजिर सुन तू रेडी है हाजर हम रेडी हैं यहाँ पे उम इज लगाया हमने क्योंकि आखिर में देखें रे है वावल नहीं है ये का लगाने की जरूरत नहीं है जो हमारी सिंपल जो जमीरें हैं ये चार चार हम लगाई हुई है आपने बैन ऑनलर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो लगा देना इजाफी तो जुमला आपका कंप्लीट हो जाएगा हाजिर लर वो सब हाजिर हैं ऑनलर हाजिर वो सब रेडी हैं तो आप जो है ऐसे जुमले अपने बना सकते हैं यहाँ पे है कि सैन डॉक्टर डील मिसन यानी कि आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो आप गलती से किसी को डॉक्टर समझ रहे हैं तो आप उससे इस सवाल ऐसे कर सकते हैं कि सैन डॉक्टर सैन डॉक्टर सुन यहां तक जो है वो जुमला नॉर्मल जुमला सैन डॉक्टर सुन तुम डॉक्टर हो सैन डॉक्टर सुन तुम डॉक्टर हो सैन डॉक्टर डील सिन सैन डॉक्टर डील सिन मसा किसी की पे हो गई तो डॉक्टर नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि सैन दील सिन, तुम नहीं हो। और फिर हमारा नीचे वाला ये जो है क्या तुम डॉक्टर नहीं हो होवित वो कहते हैं कि एवेथ यानी कि आपको गलती लग गई है एवेत आप ठीक कह रहे हैं आपकी बात की वो हाँ मैं जवाब दे रहा है एवेत हाँ बहन दोग्तोर मैं डॉक्टर नहीं हूं बहन हेमशीरेम हेम शीरे क्या पढ़ा था हमने नर्सरे क्योंकि हेम शीरे के आखिर में हस्ताने दे अब देखे ना, थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे जो रे है वो लिखना में टाइपिंग में रह गया यहाँ पे रे आएगी दो फिर कंप्लीट होगा तो दोखोर हस्ताने दे देल डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसलिए दिल के साथ किसी किस्म का कोई जुमले में किसी चीज का कोई इजाफा नहीं हुआ तो डॉक्टर तर हस्ताने से दिल डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है सीज किम का यानी कि हमने देखे कौन कौन से लिए यहाँ पे नेरे दे हमने पाड़ लिया काछ जो है वो पाड़ लिया ने कदर पाड़ लिया इस तरह के हमने सवाल लिया को भी जमीरों के साथ कैसे इस्तेमाल करना वो हमने पाड़ लिया अब किम भी पाड़ लिया हम किसी को पूछेंगे कि तुम कौन हो तुम कह सकते हैं सीज किम यानी किम के साथ हमने यानी कि हमेशा क्या करना है आखिरी लफ्ज जो है उस लफ्ज़ के साथ आपने ए, जमीर का जो इजाफा करना है तो सिनिज़ कहने से भी वही मतलब है और सीज ना भी लगाएं तो फिर भी वही मतलब है किम लोग जैसे मैंने ऊपर लिखा ना नेरे तुम कहाँ हो किम सिनिज आप कौन हो बिज और हम तालबेलम है ऑनलर किम ऑनलर किम लैर भी आप लगा सकते हैं जब पीछे जमा गया तो खाली किम भी सकते तो कि तो लगा सकते हैं तो ऑनलर किम वो कौन है दोनों के साथ चाहें तो नहीं लगा सकते हैं ऑनलर तो और सब टीचर हैं दोनों का एक ही मतलब है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी तो एक थोड़ा सा और छोटा सा हमारा आज की क्लास है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ हमारी ये दूसरी स्लाइड है अब हमने जो है वो सिंपल जमीर तो पढ़ ली कि ओ, मैं, तू, वो, वो हम, तुम सब, वो सब लेकिन अगर हमने जो पिछली दफा कायदा पढ़ा था कि मेरे पास तो उसको हमने कैसे पढ़ना है उसके साथ हमने फिर यानी कि जमीर के साथ दा या दे का इजाफा करते जाना है पिछले अल्फाज के वाल हरूफ के मुताबिक तो बैन के साथ क्या आएगा दे आएगा क्योंकि पीछे जो है वो ए है वावल हरफ पीछे ए है तो दे आएगा बैन दे मतलब मेरे पास सैन दे तेरे पास ऑन दा अब यहाँ पे दा आ गया क्योंकि पीछे ओ है तो ओ जो है वो भारी आवाज वाले बाबुल हरफ हरूफ ग्रुप से है तो इसलिए दा आएगा दा बिज दे हमारे पास सिज दे तुम सब के पास ओन लार दा उन सब के पास तो ये जमीरों के साथ जो है वो अः हमने ये दे दा लगाने से क्या बन गया मेरे पास तेरे पास उसके पास उनके पास तेरे उसके उनके पे आप ये है कि सेंदे पारा यानी कि हम इसको अगर सिंपल पढ़ेंगे सेंदे पारा वार यहाँ तक जो है वो क्या हमारा जुमला है पॉजिटिव जुमला है कि तेरे पास पैसे हैं सेंदे पारा वार सेंदे पारा योक मतलब तेरे वार की जगह योक लगा देंगे तो मतलब तेरे पास पैसे नहीं है सवालिया जब बनाएंगे तो वार के बाद का हम जो है वो इजाफा कर देंगे तो सेंदे पारा वार क्या तेरे पास पैसे हैं एवेत वार यानी कि इतना जुमला भी बताएंगे तो दुरुस्त है एवेत भी कहेंगे तो फिर भी दुरुस्त है एवेत बैंदे पारा वार यानी कि बैन बैन दे ये हम इस्तेमाल करेंगे एवेत बैन दे पारा वार ऐसे पूरा जुमला कहेंगे तो वो भी ठीक है तो ये आपके है कि आप कैसे इसको जुमले को जो है वो इस्तेमाल करेंगे हा आप मनफी में जवाब देंगे हा यियर बैंदे पारा योक यानी कि वार की जगह उसने योग इस्तेमाल कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है हायर बैन दे पारा योक एवे बैन दे पारा वार तो ये इसकी जो है वो इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे दे आप कोई दुकान पे गए हैं जहां पे आप दूध दही पनीर मक्खन इस तरह की चीजें लेते हैं तो आप उस दुकान में आप जाके पूछ सकते हैं कि दे आप लोगों के पास या कोई बड़ा वो दुकान वाला आपसे बड़ा है जिम्मे आप उसको केले को भी कह सकते हैं दे पेनीर वार्म क्या आप लोगों के पास पनीर है हायर पेनीर योग या ऐसे भी कह सकते हैं वो हाईर बीस दे हमारे पास आपने सीज दे कहा है तो वो भी क्या कहेगा बीस दे हमारे पास बीस दे पेनीर योग हमारे पास पनीर नहीं है बीस दे जैतीन वार हमारे पास जैतून है तो ये हमने जो है वो बैन दे सैन दे ओन दा इसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है आप कह सकते हैं कि सीज दे किताब वार्म सीज दे कलेम वार्म बैन दे कलेम वार बैन दे बिलगी से वार बिल्ली से आर यो उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो इस तरह जो है वो अपने अल्फाज में जुमलों में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जो है वो चंद जो है वो मिसालें दी थी तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको जो है वो समझ आ गई होगी हमारा आखिरी जो आज हमने जो है वो लह वाला हमने पढ़ना था लह किसी भी यहाँ पे मैं लिखा सिफात या पार यानी कि सिफ्त बनाता है लफ्जों को किसी चीज के साथ जोड़ता है मनसूब करता है लह जो है ना जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ल पाकिस्तानी यानी कि मेरी नस्बत जो है वो उस मुल्क से जोड़ देता है पाकिस्तान से तो मुझे पाकिस्तानी बना देता है ल जो लफ्ज है तो जो है वो किसी भी चीज से हमारी नस्बत जोड़ देता है तो यहाँ पे चंद मिसालें पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी इसका भी तरीका क्या है जिस लफ्ज के सामने लगाना है उसके फिर हमने वावल चार यानी कि हमने ग्रुप फिर बना लिए हैं वावल जिस लफ्ज के सामने ये ल ली लू या लू लगाना है उसके आखिरी हमने वावल हरफ को देखना है उसके मुताबिक हमने ये चारों जो ग्रुप है इनको देखते हुए हमने इनमें से किसी एक का इजाफा कर देना है यहाँ पे चंद मिसाले हैं सन नेरे हम नेरे पूछते हैं ना कि नेरे दे हमने पूरा नेरे दिसन मतलब कहा, कहा पे हो तुम नेरे ली का मतलब मान जाता है कि कहा वाला यानी कि वाला ज्यादा वाला का मतलब यानी क्योंकि निस्बत जोड़ देता है आपकी तो नेरे ली सिन हमने सिन की जो ऊपर हमने आप पढ़ लिया अब उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो सन सैन नेरेन या खाली नेरे नेरेन भी कह सकते हैं तो नेरे तुम कहाँ के रहने वाले हो कहाँ वाले हो या किस मुल्क के हो या किस शहर के हो न कहा से हो बैन तुर्की तुर्की मुल्क का नाम तो तुर्की के सामने फिर क्या लगा दिया ली अब हमने यहाँ पे ली क्यों लगाया कि तुर्की का आखिरी वाला बवला क्या है ए है जब ए या ई होगा तो हम क्या ली इस्तेमाल करेंगे तो बैन तुर्की ली मैं तुर्की से हूं ओ पाकिस्तान ल अब यहाँ पे ल लग गया यहाँ पे ली था यहाँ पे ल लग गया वो पाकिस्तानी है तो क्यों लगा क्योंकि तो इसका आखरी वावल हरफ क्या है पाकिस्तान का आ है तो जब आ और उ होगा तो हम क्या ल इस्तेमाल करेंगे तो वो पाकिस्तान तो पाकिस्तान लो मैं ये जो चार ग्रुप है ना ये चार ग्रुप और जो दो ग्रुप है हमारे दा दे वाले ये अच्छी तरह जेन में बिठाए रखें तो कोई मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए इनशाला मुस्न यहाँ पे अब हमने सवाल कर लिया कि सैन इरान सन, अगर हमने लह के साथ सिंह की जमीन लगा दी तो, तो इसका मतलब था कि तुम ईरानी हो सहन ईरान जब सवाल यह तो मु के सामने भी जमीन लगाई सन सैन ईरान क्या तुम ईरानी हो उससे नीचे जुमला है कि ये ऊपर ये कुर आ जाता है पता नहीं क्यों आ जाता है अहमद इस्तोलू यानी कि आप शहर भी लाजमी है कि आप मुल्क का नाम दें आप लाहौर लू कह सकते हैं कि लाहौर वाला कराची ली कराची वाला इस्ताम्बो इस्तम लू इस्तबोल वाला तो अहमद इस्तम लो तो अहमद थर्ड पर्सन है इसलिए हमने किसी किस्म की जमीर का इजाफा नहीं किया इस्तम्बोल लो सिर्फ लगाया मतलब ओ पाकिस्तान लो थर्ड पर्सन की बात हो रही है सिर्फ पाकिस्तान ले कहा है तो मतलब वो पाकिस्तानी है अहमद इस्तम वाला है ये तो हमने जमीरों के साथ इनको इस्तेमाल कर लिए मुल्कों के साथ जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तानी इस्तोल वाला तुर्की वाला ईरानी हिंदुस्तानी ये हमने इसके साथ इस्तेमाल कर लिया अब हम दूसरे नॉर्मल इसमों के साथ हम इसको इस्तेमाल करने यहाँ पे देखते हैं कि बुगुन हवा चौक बुलुत बुलुत मतलब बादल और बुलुत के साथ लूल लगाया तो क्या हो गया लू बादलों वाला बुगुन हवा चौक लू आज मौसम बादलों वाला है बादल है मौसम में अली चौक जेकी अली बहुत समझदार है जेकी समझदार को कहते हैं वे बिलगी हम कहते हैं नॉलेज को इलम को बिल्की ली हमने बिल्की के साथ ली लगाया तो बिल ली नॉलेज वाला है और हर किसी के साथ नहीं लगता ये मतलब मजी ली नहीं हो सकता यानी कि हर के साथ ली नहीं लगता कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ लगता है वो वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे तो लेकिन आप जब मतलब पढ़ रहे हो सुन रहे हो जहां पे ली लगा हो तो आपने खुद वहां से अंदाजा लगा लेना कि ये जो है वो ली जो है वो क्यों आया है तो बिल्गी मतलब नॉलेज तो बिल गिली नॉलेजेबल यानी कि नॉलेज वाला जिसके पास इलम है बिल गिली सेंदे तेरे पास यानी कि हमने ये देखा ना बैंदे सेंदे पढ़ा तो दोबारा मैंने यहाँ पे मिसाल दी कि सेंदे रैंकली रैंक कलर को कहते हैं तो रैंकली रंग वाली कलरफुल रैंकलीर एल बी से के तेरे पास क्या तेरे पास कलरफुल कपड़े हैं चाय शेकरली जैसे हम कहते हैं चाय शेकरली शेकर मतलब चीनी वाली चीनी शकेर चीनी को कहते हैं तो शेकेरली चीनी वाली चाय शेकर ली एमरे उजुन बोयलू उजुन बोय कहते हैं लंबा कद उजुन बोय लंबा कद उजुन बोयलू लंबे कद वाला किस्सा बोय कहते हैं किस्सा छोटे को कहते हैं तो किस्सा बोय छोटा कद किस्सा बोयलू छोटे कद वाला दामला किलो लू किलो बीर किलो इक्की किलो वो भी होता है और किलो मतलब यानी कि वेट तो किलो लू वेट वाला जो मोटा हो उसको आप कह सकते हैं मतलब दामला किलो दामला मोटी है या मोटे के लिए लागू हम शिशमान मतलब फैट के लिए शिशमान इस्तेमाल करते हैं लेकिन किलो जिसने वेट गेन किया हो तो वेट गेन करने वाला भी हम जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उजुन कोल उजुन कोल उजुन मतलब लंबा कोल मतलब बाजू उजुन कोल्लू ग्योमलेक मतलब इसके साथ मैं ग्योम लगा देता हूं किस्सा तो कोल मतलब बाजू उजुन मतलब लंबा लंबे बाजू वाले तो साथ क्या ग्योम लगा दें मतलब शर्ट उजुन कोल लो किस्सा कोल लो छोटे बाजू वाले तो ये जो है ना लु ली लु लु इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना यहाँ पे मैंने इसको बताने की कोशिश की है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी समझ आ गई यहाँ पे चंद मैंने अल्फाज हैं जो ऑपोजिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं जित ये भी जित कहते हैं हम भी जिद कहते, कहते हैं तो ये भी जित कहते हैं जे ते जित मैं चाहे तो यहाँ पे लिख देता हूं जित यानी कि इनको आप जिद कहते हैं उल्ट है। यानी कि महंगा और सस्ता अच्छा और बुरा तो ये भी उसको जिद कहते हैं इन अल्फाज को तो यहाँ पे दो लो मतलब भरा हुआ बोश खाली मुतलू खुश मुतसुज नाखुश गिश खुला गेनिश योल खुला रास्ता दार मतलब तंग जल तेज यवाश स्लो आहिस्ता उजस सस्ता पहल, महंगा गुजैल खूबसूरत चिरकिन, बदसूरत ई अच्छा चुत बुरा चालिशकान मेहनती टैंबल सुस्त यकन करीब उजाक दूर ओनली अहम ना अहम जो इम्पोर्टेंट ना हो जेंगीन अमीर फकीर गरीब कोलाए, आसान जोर, मुश्किल यानी कि ठंडी तबियत वाला साकिन सुकून सुकूनत वाला ठंडी तबियत वाला कह सकते हैं आप सिनिरली, गुस्से वाला जेसूर बहादुर कोरकाक, डरपोक जवान, याशल बूढ़ा तो याश हमने ऊपर पढ़ा था ना यशंदा ये, ये बाईस साल का हूं तो याश किसको कहते हैं उम्र को तो याशले उम्र वाला यानी कि जिसकी उम्र हो गई हो कहते हैं ना बाबा जी आपकी बड़ी उम्र हो गई है तो याशल उम्र वाला जिसकी उम्र हो गई हो अब तो उसको याशल वहां से कि ओल्ड बूढ़ा याशल तो ये थी हमारी आज की क्लास